कुछ कमा के आए, चल जाए उसका परिवार चल जाए, ऐसा जो भी इनिशिएटिव की आवश्यकता है क्रूज के लिए मैं पीछे लगा हूँ। मेरे मन में चल रहा है कि क्रूज टूरिज्म का नंबर ऑफ डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करके मैंने एक डिसीजन में विचार रहा हूँ, थोड़े दिन में उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है। क्या उड़ान योजना है ऐसी ऑटोवेज के लिए योजना नहीं हो सकती? क्या मुंबई का ट्रैफिक हम सॉल्व नहीं कर सकते? मुंबई का ट्रैफिक भी सॉल्व करना है, यहाँ वाटर टैक्सी चलेगी, यहाँ ऑटो ट्रांसपोर्टेशन होगा ईस्ट मुंबई से इस साइड, क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट मुंबई से जेएनपीटी की साइड डायरेक्ट ही आप वाटर टैक्सी के माध्यम से चल जाओ। कोस्टल लाइन पर जो लोग कोस्टल कार्गो ही नहीं कोस्टल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू करें उसको मैं थोड़ी सी सहायता देना चाहता हूँ, जैसे एक बार हमारा माइंडसेट बने कि वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का वे है। इस दृष्टि से हम कोस्टल शिपिंग और इंडियन वाटरवेज डेवलप करके कोस्टल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी भी ओपन होगी। और तीसरा हमारे मन में चल रहा है कि कोस्टल कम्युनिटी का महत्व हमारे लिए विशेष इसलिए है, हम हमारे मन में केवल ऐसा ही है कि हमारी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, हमारी बॉर्डर चाइना के साथ है और वहां आपने तार फेंसिंग लगा दिया है तो हम सेफ हो गए, ऐसा नहीं है। 7,500 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर एक कोस्टल लाइन पर है, समुद्र से जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ जब आक्रांत आते थे, मोहम्मद गजनवी जब सोमनाथ पर आए थे तो समुद्र के माध्यम से आए थे। आज भी जो चीज कंटेनर में आती है पोर्ट पर आती है, कार्गो जो पोर्ट पर आता है समुद्र के माध्यम से आता है, इसलिए उसको भी स्ट्रेंथनिंग करना है। और उसके लिए इन्फॉर्मर कौन हो सकते हैं? मैं स्पष्ट मानता हूं कि एक सैनिक यहां से सियाचिन ग्लेशियर की बॉर्डर पर या तो चाइना बॉर्डर पर नाथुला में एक हमारे सैनिक खड़े हो, वहां खड़े होके देश की रक्षा के लिए वो काम करते हैं, वो तो देश के लिए करते ही, लेकिन एक क्षेत्र में वहां जो लोग रहते हैं वहां के लोग हैं ये क्लाइमेट में अच्छी तरह से सेट हो सकते हैं। जितना संघर्ष यहां से गए हुए सैनिक को वहां खड़े रहने में होता है उससे कम संघर्ष, माइनर रेट्स वन टाइप ऑफ पैरामिलिट्री इसलिए है वो इंफॉर्मेशन भी मिलिट्री को देते हैं, मिलिट्री की आवश्यकताओं को भी फुलफिल करते हैं और उसके साथ साथ उसकी रोजगारी भी मिलती है। ऐसी व्यवस्था मोदी गवर्नमेंट ने बॉर्डर पर करना शुरू किया, वैसा ही कोस्टल कम्युनिटी आज यहां ताज पर अटैक हो गया था। कहां से आए थे? वो समुद्र मार्ग से ही आए थे। हमारा इंफॉर्मर कोस्टल कम्युनिटी अच्छी तरह से बन सकती, वहां कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे, संदिग्ध लोग दिखाई दे, संदिग्ध कंसाइनमेंट अपने यहां डंप हो, ऐसी स्थिति में कौन देश को अलर्ट करेगा? आप ऐसा मत मानो कि सब एजेंसी अपने अपने ओर से अलर्ट होती है, लेकिन भी जिस लोग ऐसा घुटपैठ करना चाहते हैं या तो ऐसी मानसिकता से आते हैं उसमें से भी वो रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में कोस्टल कम्युनिटी ही हमारा इंफॉर्मर के रूप में एक महत्व की भूमिका और महत्व का दायित्व अदा कर सकते, इसलिए कोस्टल कम्युनिटी का महत्व देश के लिए है, हमारे समुद्र तट के लिए है। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमने मैंने जो दिखाया वो रास्ते पे हम आगे चल रहे हैं। चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस उसको चैनलाइज करना है, उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, उसको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे ऐसा सिस्टम में लाना है। ट्रेडिशनल आज भी हमारी फिशिंग ट्रेडिशनल वे से ही हो रही है, उसको साइंटिफिक वे से कैसे लाए उस दिशा में काम करना है और उसमें स्किल है लेकिन उसको सिस्टम में लाके आउटपुट में लाना है। उसके अलावा ज्यादा चैलेंजेज मुझे उसमें नहीं दिखाई दे रही है। कोस्टल कम्युनिटी स्वयं ही साहसिक है, स्वयं ही क्योंकि लहरें से लड़ते हैं, समुद्र से लड़ते हैं, समुद्र में जाना, समुद्र में काम करना यही उसका जीवन रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान वैसे ही एक ऐसा देश है जिस देश के नाम से कोई समुद्र का नाम है।
महासागर हमारे देश से पड़ा हुआ नाम है। ये हिंद महासागर से हिंदुस्तान नहीं बना है, ये हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर बना है दोस्तों। ये हमारी मैरिटाइम हिस्ट्री जो जाजरमान थी उसका एग्जाम्पल है, और इसलिए हमारे मैरिटाइम फ्यूचर में कोस्टल कम्युनिटी एक अहम भूमिका है, अहम रोल है, और उसको सरकार की दृष्टि से तो हम करते हैं, लेकिन आप जैसे इंस्टीट्यूट लेके ये सेमिनार किया, ये आपके इस सेमिनार, पिछले सेमिनार, उसके पिछले सेमिनार, आपने शायद 4 साल से आप सेमिनार कर रहे हैं, 5 साल से, उसका जो नतीजा निकला है वो मुझे अवश्य भेजिए, मैं उसका अभ्यास करूँगा, और उसके आधार पर सरकार क्या कर सकती है या उसको करने की हम कोशिश करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश की जनता की प्रगति के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए। आज सारा मंत्रिमंडल लगा हुआ है, सारी सरकार लगी हुई है, सभी सभी का अपना अपना दायित्व होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में मेरा दायित्व मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, सोसाइटी के आदर्श राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में यहाँ डाइस पर बैठे हुए वरिष्ठ लोग, इंस्टीट्यूट के लोग जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करके अपना दायित्व अदा किया है, यहाँ आप कई पार्टिसिपेंट आए हैं, कई स्टेट से आए हैं, जिसका मेरा चेहरा मैं इसको पहचानता हूँ, तो आपने इस मेरी दृष्टि तो वो भी महत्वपूर्ण है कि चलो भाई सेमिनार हो रहा है कोस्टल कम्युनिटी से, उसका कोई लाभ हो नहीं हो, व्यक्तिगत लाभ हो नहीं हो, ऐसा नहीं सोच के यहाँ आके उपस्थित रहे तो भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और हिंदुस्तान के भविष्य, यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमसे जो भी कुछ होगा, हम इतना अवश्य कहेंगे कि जब आप भविष्य में कोई जॉब में होंगे या कोई बिजनेस में होंगे, और उस वक्त आप बात करते होंगे कि एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार आई थी, और ये सरकार ने ये इंस्टीट्यूट लिया था इसलिए हम यहाँ है, ऐसा आप बात करेंगे, इससे ऐसे विश्वास आपको दे के मैं श्योर करना चाहता हूँ कि आपका भविष्य इस आधार पर उज्जवल है, और हम इस दिशा में जा रहे हैं, जब आप भारत का निर्माता बने तब आपके सहयोग में रहे, यही आप सबसे शुभेच्छाएं, यही आप सब लोगों के सामने मैं अवश्य मानता हूँ कि हम सब लोग साथ में मिलके नवा भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।